सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में। कुछ ट्रिक भी बताऊंगा आपको और किस ट्रिक से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है जिससे आपको 100% गारंटी की फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उस ट्रिक को आपको अप्लाई कर देना है तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। आप कुछ कमी करते हो जिसके कारण आपको जीवन परिचय में मार्क्स कट जाते हैं। सबसे पहले तो आपको इस तरह से वासुदेव शरण अग्रवाल एक नए पेज से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे जीवन परिचय डालना और यहाँ पे एक बॉक्स बनाकर इनका कुछ संक्षिप्त में परिचय दे देना है, क्योंकि जो टीचर होता है कॉपी चेक करता है आपका, केवल आपका जन्म और मृत्यु अक्सर देखता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वासुदेव शरण। तो देखो यहाँ पर इनका नाम हो गया, जन्म स्थान, शिक्षा, कृतियाँ, मृत्यु, इस तरह से लिख दिया जाता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद यहाँ पे थोड़ी इनकी, तो यहाँ से जीवन परिचय, भारतीय संस्कृत और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। अब देखो यहाँ पे 1904 जो है वो हाईलाइटेड किया गया है क्योंकि ये इससे सुंदरता भी इसका बढ़ता है और टीचर यही जन्म और मृत्यु अक्सर देखा करते हैं। अब इसके बाद इनकी शिक्षा BA, MA, PhD और DLit की उपाधि भी इन्होंने प्राप्त की है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। माँ सरस्वती का यह अमर पुत्र हिंदी साहित्य का सेवा करता हुआ सन 1967, देखो यहाँ भी ब्लैक कर दिया गया हाईलाइटेड के लिए और इसको आकर्षित करने के लिए, मैं भारत माँ के चरणों में हमेशा के लिए सो गए। इसके साथ ही साथ इनका साहित्यिक परिचय भी देख लेते हैं। साहित्य में इनका स्थान गौरवपूर्ण रहा है, निबंधकार के रूप में रहे, शोधकर्ता के रूप में रहे, संपादक भी रहे और देश की सेवा में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी कुछ कृतियों के बारे में भी देख ली, ये सब चीज़ें देखो इस तरह से हेडिंग डालना है, हेडिंग के नीचे पाई खींचना है। ठीक है, ब्लैक स्केच से, ब्लैक स्केच का ही बोर्ड एग्जाम में करना है उपयोग। और कृतियाँ इनकी कुछ कल्प वृक्ष, वाग्धारा, कला और संस्कृति, कला और संस्कृति थी। ठीक है, तो आपको इस तरह से जीवन परिचय लिखना है, यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बना लेना है। बॉक्स में इनके नाम वासुदेव शरण का, जन्म स्थान 1904 भी मेरठ उत्तर प्रदेश, शिक्षा जो भी इन्होंने किया है, कृतियाँ और मृत्यु को लिख देना। तो यही आपका समझो तो पूरा जीवन परिचय है और इससे काफ़ी ज़्यादा सुंदरता जीवन परिचय की बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर कर देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।